दादी जी, आज जैसे 44 दिन हो चुके हैं, इतने डिपार्टमेंट्स में आप लोगों के कर्मचारी हैं, सारे डिपार्टमेंटों में काम धीरे हो रखा है, लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता परेशान हो रही है और ये राज्य सरकार के सोचने का विषय है कि ये बाबू बैठा क्यों है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जनता परेशान हो गई है, लेकिन आप ये भी विचार करें कि ये एसी कूलर पंखों में काम करने वाला बाबू 45 डिग्री टेम्परेचर में, 48 डिग्री टेम्परेचर में इस लू के अंदर ये पिछले 35 दिन से यहाँ बैठा हुआ है, ऐसी इसकी क्या मजबूरी है ये बैठा हुआ है? संभव है ये चीज़? अच्छे अच्छे महापड़ाव इस मौसम में स्थगित हो जाते हैं, ये बैठा है। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो लोग, जो कारिंदे इस आंदोलन को डिफेम करके और वो करना चाह रहे हैं, उन सब को अलग करते हुए स्वयं इस आंदोलन पे संज्ञान लें। ये 35 दिन से यहाँ महापड़ाव में पड़ा हुआ है, अपनी जायज मांगों को लेकर, न्यायोचित मांग है। ये बाबू ऐसा कुछ नहीं मांग रहा है कि राज्य सरकार से ये अलग हटके कुछ मांग रहा है, कि ये कह रहा है कि जो औरों को हमारे समकक्ष को दे रहे हो वो मुझे दे दिया जाए। केवल न्याय की लड़ाई है ये, और न्याय की लड़ाई 35 दिन चले चाहे 70 दिन चले, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी, न्याय हम लेके जाएंगे। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक मंत्रालय कर्मचारी के मन में ये दृढ़ संकल्प है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब न्याय करने वाले व्यक्ति हैं और देंगे तो वो ही देंगे, इसी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, महिला शक्ति भी आप लोगों के पूरे सहयोग कर रही हैं, अगर फिर भी अगर जैसे जिस हिसाब से रोज चल रहा है कि आज उम्मीद बन रही थी कि आज होगा, फिर कल उम्मीद लगती है कि कल तक हो जाएगा काम, लेकिन अगर धीरे धीरे ये दिन बढ़ते गए तो आप लोग आगे क्या रणनीति अपनाएंगे इस पर? हमारा महापड़ाव जारी है, जारी रहेगा, सरकार को सोचने का विषय है। सरकार इसको आज उठाती है, कल उठाती है, 15 दिन बाद उठाती है, एक महीने बाद उठाती है, ये सरकार को सोचना है। हमारी मांगे माननीय CM सेक्रेटरी साहब के पास भी है, माननीय फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के पास भी है, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी है, कार्मिक सेक्रेटरी, और सब ने टेबल पे ये माना है कि हमारी मांगे न्यायोचित है और हम अलग हटके राज्य सरकार से ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। नहीं, फिर भी अगर मान भी रहे हैं तो फिर इतना देर क्यों हो रही है इस? अब ये तो विषय राज्य सरकार का है, इस विषय पे हम क्या कह सकते हैं? हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन भी आपने देखा होगा पिछले 35 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, शुद्ध रूप से महात्मा गांधी के बताए हुए पथ पे ये आंदोलन चल रहा है। ऐसा राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन के अंदर, चलते हुए आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का आना और मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा 1076 यूनिट ब्लड डोनेट करना, आंदोलनों की ये परिपाटी नहीं रहती है, लेकिन राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी ने ये करके दिखाया है। मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों का व्यक्तिगत प्रसंज्ञान लेना चाहिए, उन कारिंदों को दूर करना चाहिए जो इसमें बाधक बन रहे हैं, नहीं तो ये बाबू बैठा है, बैठा रहेगा। धन्यवाद। महिला शक्ति भी आप लोगों के साथ निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में है, तो उनके बारे में क्या कहना? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाड़मेर जैसे जिले से आज भी यहाँ पे लगभग 15-20 महिला साथी आई है, जयपुर प्रॉपर की महिला साथी, चाहे वो डिपार्टमेंट पुलिस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पंचायत राज हो, चाहे आपका पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपका अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, सभी महिला साथी बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। बाड़मेर जैसे ज़िले से अकेली महिला साथी चल के आ रही है और आंदोलन किस पराकाष्ठा पे, ये देखिए कि एक विकलांग पति पत्नी जो दोनों विकलांग हैं और जो स्कूटी से चलते हैं, चार पहिए उसके लगा रखे हैं, वो भरतपुर से चल के इस आंदोलन में आए हैं। इसलिए आंदोलन अपनी पूरी चरम पे है और राजस्थान का ये चरम पे इसलिए है कि राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी राज्य सरकार से न्याय मांग रहा है।